नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द फिटनेस वेला पे। दोस्तों पिछली बार हमने वीडियो बनाई थी अंकल की, अंकल का नाम मिस्टर बीएल मीणा। इनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, फैट लॉस करना था और एक्टिवनेस नहीं थी बॉडी में। तो आज मैं इनके घर पर आया हूँ। मैंने पिछली बार वीडियो में आप लोगों से कहा था कि अंकल को परेशानी होती है चढ़ने में उतरने में, तो मैं घर पर आ जाऊँगा, तो आज सामान लेके आया हूँ मैं। तो पहले अंकल से रिव्यूज जानते हैं कि अंकल को कितना फ़ायदा मिला है, एक्टिवनेस कितनी है, वज़न इनका कितना कम हुआ है, जो भी रिव्यूज है वो अंकल से जानते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार अंकल भाई। अंकल आपको रिजल्ट कैसे मिले हैं? रिजल्ट मुझे ऐसा है अंकुर गौतम जी, बहुत अच्छा मिला है। और करीब मेरा आज 28 तारीख हो गई, 27 तारीख से मैंने ये दवाइयाँ शुरू करी आपकी, और उसके बाद मेरा करीब 2 किलो वजन कम हुआ। 2 किलो वजन कम जी। और मेरी जो पेंट की बेल्ट थी, बेल्ट मेरी बेल्ट कम हो गई। यानी एक छेद कम हो गया है, यानी अब टाइट करके पहननी पड़ती है अंकल को अपनी बेल्ट पेंट की जो भी है, और वज़न 2 किलो कम हुआ है। तो दोस्तों कुछ लोग ये कहते हैं ना कि थायराइड में वज़न कम नहीं होता, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अगर आप मेहनत करोगे, प्रॉपर गाइडेंस में कोई चीज़ लोगे और तरीके से अपनी डाइट लोगे। अंकल वॉक करते हैं, अंकल आप जो बता रहे थे कल मुझे, आप एरिया बता रहे थे कि आप 17 मिनट करते थे और अब कितने? मैं पहले जाता था 15 मिनट में पहुंचता था वहाँ जी। ये जगह है करीब 1.5 किलोमीटर जी। उधर से रिटर्न आते हुए तो ये करीब 2.5-3 किलोमीटर हो जाती है जी। तो पहले मैं उसको पहुंचता था 15-16 मिनट में जी। अब मैं 12-13 मिनट में वहाँ पहुँच जाता हूँ, और बाकी का मैं जा करके वहाँ अपने योगा करता हूँ जी। योगा करता हूँ, जब लेट करके पैरों से साइकिल चलाता हूँ और ओम का जाप करता हूँ और संकल करते हैं। उसके साथ में एनर्जी पूरी इनकी कैलोरीज बर्न होती हैं, जबकि कोई ना कोई आप बॉडी से फंक्शन करोगे तो कैलोरीज तो बर्न करेगा वो। अलोम विलोम भी वे। अंकल को पहले मल्टीविटामिन CLA, कार्निटीन, मल्टीविटामिन ओमेगा 3 दी थी। इस बार मैं CLA की जगह इनको मसल लाइफ का ये सुपर ग्रीन फूड दे रहा हूँ, जो कि पेट की हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा, गट हेल्थ बहुत अच्छी करेगा, ब्रेन हेल्थ अच्छी करेगा, जॉइंट्स अच्छे करेगा, स्किन अच्छी करेगा, और अंकल जी को भूख भी अच्छी लगेगी। भूख तो मैं रोटी ज़्यादा खाता नहीं हूँ, क्यों के मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा खाना खा लूँगा तो मेरा हो सकता है वेट बढ़ जाए जी। तो इसलिए मैं अपने एक रोटी खाता हूँ सुबह नाश्ते में, एक दोपहर को खाता हूँ, एक शाम को खाता हूँ जी। सलाद ज़्यादा यूज करता हूँ, सलाद ज़्यादा यूज। ये देखिए, ये एल कार्निटीन है 500 mg पर कैप्सूल है, जो मेहनत से पहले अंकल जी को लेनी थी एक कैप्सूल, ये रेगुलर वैसे ही लेनी है जैसे ही ले रहे थे। ओमेगा 369 फ्लेक्सीड ऑयल है, जो खाने के बीच में अंकल जी को सुबह शाम लेने थे, जॉइंट्स अच्छे रखते हैं, लीवर अच्छा रखता है, हार्ट अच्छी रखती है। मेरी मिसेज को भी इससे काफ़ी रिलीफ मिला है। मैं अभी आंटी जी को बुलाता हूँ, आंटी जी को थोड़ा वीडियो में लाता हूँ। आंटी जी 2 मिनट आ जाइए। घर में बोलते वैसे बोल दो ना, घर में जैसे बोलते ऐसे बोल दो, उसमें क्या है? आंटी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि फ़ोन पर वो कैसे बोल रहे हैं। तो आंटी जी आपको फ़ायदा तो मिला होगा, और जैसे पैरों में जो दर्द रहता था उसमें वो भी नहीं है ना? तो आंटी जी मल्टीविटामिन ओमेगा 3 रेगुलर बेसिस पर यूज़ करेंगी तो ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा ये पैरों में दर्द और जॉइंट्स में जो दर्द होता है। भाई मेरी जीवन साथी है, मैं तो इनको साथ लेके चलता हूँ, लेकिन ये ज़रा टहलना कम जाती है। टहल नहीं पाती अंकल जी आपके साथ, नहीं अंदर ही अंदर ये घूम लेती है, फिर लेती है, और मेरा मन तो दौड़ करने का भी करता है, लेकिन मुझे अंकुर गौतम जी ने कहा कि अंकल जी आपको ज़्यादा नहीं दौड़ना है, आपके पैरों में प्रॉब्लम है, और मेरे पैरों में कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल यंग मैन। अंकल की एक इच्छा है कि अंकल को 18 साल जैसा लड़का बना दूँ मैं, कोशिश मैं पूरी करूँगा वैसा बनाने की, और भगवान की इच्छा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम करता हूँ, और जिस भी भाई को अपने मम्मी पापा के लिए या अपने बाबा दादी के लिए या जिसको भी अगर कोई समस्या है, अगर वज़न कम करने में दिक्कत हो रही है या उनके जॉइंट्स में दिक्कत होती है या भूख नहीं लग रही है या जैसी भी दिक्कत है, स्किन की प्रॉब्लम है, बाल टूट रहे हैं, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हो फिटनेस विला से, आपको गारंटी रिजल्ट मिलेंगे और ओरिजिनल सामान मिलेगा। अंकुर भाई अभी इसको विराम मत दीजिए जी। अंकुर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि और भी मेरे साथियाँ हैं जी, वो भी मुझसे बोल रहे हैं कि भाई ये आपने मीना साहब कहाँ से दवाइयाँ ली हैं जी। मैंने कहा भैया एक बच्चा है हमारा और वो बहुत ही निपुण है जी।
मैंने तो कितने डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, और मेरा तो मैंने आकाशवाणी पर भी एक डॉक्टर से इलाज कराया तो मेरा 3 किलो वजन बढ़ गया। मैं बड़ा परेशान, इन्होंने मैं इनके पास गया, इन्होंने कहा अंकल जी आप घास मेट मत होइए, मैं आपको बिल्कुल फिट दुष्ट करके छोड़ूंगा और मैं आपको 18 साल का जवान बना के छोड़ूंगा। बिल्कुल, मैं जो आपसे बात बोली थी उसमें मैं खड़ा होता रहा। मैं अंकुर भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये एक भगवान के रूप में आके उतरे हैं ताकि मेरे शरीर में इन्होंने